देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं आज दिन भर की हाथ बड़ी खबरें। थाना पचपेड़वा में पुलिस मुठभेड़ में गोवध का वांछित गिरफ्तार। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर हेमंत कुटियाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्रा, क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर के पर्यवेक्षण प्रभारी निरीक्षक पचपेड़वा अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना पचपेड़वा तथा थाना कोतवाली गैसड़ी की पुलिस टीम द्वारा एक अदद अवैध देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस तथा दो खोखा कारतूस के साथ गोवध निवारण अधिनियम के वांछित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। राहुल सिंह की रिपोर्ट। कल रात लगभग 1:15 बजे थाना पचपेड़वा के भाथर रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिस गश्त पे थी और अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसमें मशगूल थी। मुखबिर से सूचना मिली कि अभी हाल में हुई घटना जो गुप्तकशी की है उसका मुलजिम गल्लू उधर से आ रहा है, पर उसका पीछा किया गया और उसने पुलिस पर फायर किया। पुलिस वालों ने भी सुरक्षा फायर किया, गोली उसके बाएं पैर में लगी नीचे साइड में और उसके पास से 315 का कट्टा, एक गेंदा कारतूस में दो खोखा कारतूस 315 का बरामद हुआ। उसको प्राथमिक उपचार के लिए तत्काल CHC रवाना किया गया और अग्रेतर जो वैधानिक कार्रवाई उस निश्चित की जा रही है। आपको यह भी बताना आवश्यक है कि यह कल्लू उर्फ अब्बास गोकसी का अभियुक्त है जो वांटेड था और भागा हुआ है। ये पुलिस की अच्छी कार्रवाई है, इसमें इंस्पेक्टर पचपेड़वा, इंस्पेक्टर गैसड़ी और उनकी टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई है जो एक पुलिस की अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में एक अच्छा खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।